पंजाब के नवनियुक्त मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी पहले ही दिन से एक्शन मोड में आ गए। जहां उन्होंने कई सरकारी प्रशासनिक अधिकारियों का फेरबदल किया, तो वहीं अपनी सरकार को पंजाब के हर आदमी की सरकार बतलाते हुए सरकारी दफ्तरों में तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों को सुबह 9 बजे अपनी सीट पर हाजिर होने का फरमान भी जारी कर डाला, ताकि इन सरकारी दफ्तरों में अपने काम के लिए पहुंचने वाले किसी भी आदमी को दिक्कत पेश न आए। सारे सेक्टरियां नूं आज ही हदायत जारी हो जाएगी कि 2 दिन तक पक्का दफ्तर विच लोकां नूं मिलना है, लोकां दीआं सुननीआं है। डीसी यह नहीं है कि साढ़े लोग बाहर बैठे है तो आप अंदर बैठे चाह पी जा रहे हो, उन्हां नूं सब तो पहला लोगों को मिलना है। टाइम फिक्स होएगा, उस टाइम उत्थी होएगा डीसी। सेक्रटरीएट दे विच अफसर बंदियां नूं नहीं बनाणगे, आप डायरेक्टोरेट जाके कि होर बैठेंगे। सेक्रटरीएट दे विच दिक्कत आउंदी है लोगों को पास पूस बनाउण दी, होर सारिआं दी। हर गरीब की पहुँच होवे मेरे तक, हर सारे अफसर तक इस व्यवस्था की जाएगी। किसी नू ए नहीं है कि उसका शिकायत का हल नहीं होया, ये सारिया चीज़ों का हल होएगा। मैं पंजाब के आम लोगों की आवाज़ बनागा। लेकिन सरकारी बाबू हैं, कहाँ सुनने वाले थे। आलम यह रहा कि कई जगह सरकारी दफ्तरों में स्टाफ 9:30 बजे तक भी पहुंचा नहीं, यानी सीधे तौर पर मुख्यमंत्री के आदेशों को अंगूठा सा दिखा दिया गया। तस्वीरें पंजाब की एक नगर काउंसिल की हैं, जहां समय पर कोई अधिकारी कोई क्लर्क हाजिर नहीं था, बस मौजूद थे तो सेवादार। अब ऐसे अनेकों सरकारी विभागों में तैनात कर्मचारी और अधिकारी जो मुख्यमंत्री के आदेशों की धज्जियां उड़ाने में जुटे हैं, उन्हें क्या सबक सिखाया जाता है, ये देखना भी दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्थ प्रकाश। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।